नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। देश की मशहूर बॉलीवुड स्टार व हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत की फोटो एडिट कर अश्लील फोटो फेसबुक पर अपलोड करने व देश के गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो एडिट कर फेसबुक पर अपलोड करने का मामला तूल पकड़ गया है। अपने अपने फील्ड की दो बड़ी हस्तियों से जुड़े इस मामले की शिकायत हरियाणा में रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना में दर्ज कराई गई है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की अश्लील फोटो अपलोड करने की शिकायत जहां रविवार रात 11 बजे व गृह मंत्री अमित शाह की आरक्षण संबंधी वीडियो की शिकायत सोमवार को दोपहर के समय मॉडल टाउन थाना में रेवाड़ी भाजपा की ओर से दी गई। सोमवार को रेवाड़ी भाजपा के महामंत्री सत्यदेव यादव अपनी लीगल टीम को लेकर मॉडल टाउन थाना पहुंचे और जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। कहा कि यदि जल्द ही मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। मामला महिला सम्मान से जुड़ा हुआ है, ऐसे में भाजपा मुखर दिखाई दे रही है। शिकायत किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि बाल कल्याण विभाग के पूर्व में रहे अधिकारी के खिलाफ दी गई है। आरोप है कि पूर्व अधिकारी ने पहले फिल्म अभिनेत्री की अश्लील फोटो अपलोड की, वहीं अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह के आरक्षण पर दी गई स्पीच को एडिट कर फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया। इससे जहां महिला सम्मान को ठेस पहुंची है, वहीं आरक्षण संबंधी बयान को एडिट कर माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं जब इस मामले में बाल कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रेम कुमार यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई वीडियो एडिट नहीं की, केवल वीडियो को फॉरवर्ड किया गया है। अब देखना होगा कि जिस तरह से आरोपी का बयान सामने आया आखिर क्या कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि साइबर सेल के माध्यम से तमाम वीडियो की जांच कराई जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से भाजपा मुखर होकर कार्रवाई की मांग कर रही है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार सत्यदेव जी, आप मॉडल टाउन थाने में है, क्या पूरा मामला है, जिस तरह से एक मामला लगातार सामने आ रहा है? ऐसा है अमित जी, रात 10:30 बजे मेरे पास मेरे जिला अध्यक्ष भाई प्रीतम सिंह चौहान जी का फोन आया कि भाई मैंने आपको कुछ भेजा है, एक बार चेक करो। जब मैंने चेक किया तो देखा कि प्रेम कुमार यादव की कोई आईडी से हमारी मंडी से जो प्रत्याशी है कंगना रनौत जी, उनकी एक अश्लील फोटो उस पर अपलोड की हुई थी। मैं तुरंत जो है उस फोटो के साथ अपनी एक एप्लीकेशन आपत्ति की लिख के पुल डाउन थाने में SHO साहब से मिला और उनसे मैंने निवेदन किया कि आप इस पर FIR दर्ज करके इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करें। परंतु उस समय रात के 10:30 बज चुके थे और अधिकारी जी ने कहा कि हम एक बार सुबह इसकी जांच करवा लेते हैं, कई बार ID हैक होके भी इस तरह का मामला बनता है। तो उसके बाद सुबह जब हम आए तो SHO साहब गुड़गांव चले गए थे और जो हमारे IO सुरेंद्र जी लगाए थे वो भी किसी कारण से कोर्ट में गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ी देर में फ़ोन करके बुलाते हैं। अब उन्होंने जब उससे बात की प्रेम, जैसा उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने डिलीट कर दी, परंतु उन्होंने उसके तुरंत बाद एक जो है और एडिट करके अमित शाह जी के बयान को जो है अपनी ID पे डाल दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करी, ड्रोन दीदी की बात करी, उज्ज्वला की बात करी, परंतु ये व्यक्ति जैसा मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ बड़े अधिकारी के रूप में भी रहे हैं और गलती से ये काम नहीं हुआ, उन्होंने जानबूझ के इसमें ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर इसमें कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो एक बड़ा आंदोलन महिला मोर्चा के साथ मिलकर हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में करने जा रहा है। अभी हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके इसको अरेस्ट किया जाए। अभी दूसरी भी शिकायत दी है आपने, उस शिकायत में क्या आपने दिया, आखिर उसमें क्या एडिट किया गया है? उसमें माननीय अमित शाह जी कहीं पर रैली को संबोधित कर रहे थे तो उसमें SC OBC इसका जो है आरक्षण की बात उन्होंने की होगी, उसको चेंज करके वो ये दिखा रहा है कि अगर हमारी सरकार इस बार बनी तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। जो एडिट किया हुआ है उसका प्रूफ भी हमने IO को जो है दे दिया है। कहीं इरादतन इस तरह से वो हरकत कर रहे हैं? जी, हमारे सोशल मीडिया की जो टीम है उन्होंने उनकी ID को चेक किया है, वो इस तरह की हरकतें बार बार कर रहे हैं, लेकिन हमारी पकड़ में पहली बार आए। और मैं अपने सोशल मीडिया को भी बधाई देना चाहूँगा कि वो इतनी पैनी नज़र रख के
ये सारे काम कर रहे हैं। अभी आप अपनी लीगल टीम के यहाँ साथ पहुंचे, आईओ से भी आप बात कर रहे, तो क्या अभी आश्वासन मिला और क्या उनका कहना है? अभी वो उन्होंने उनकी जो है आईडी की कोई वो होती है जिसको वो चेक कर रहे हैं, यूआर नंबर से वो चेक कर रहे हैं, और जैसे उनको तसल्ली हो जाएगी कि ये एडिट मतलब उनके आईडी वगैरह हैक नहीं है और ये उन्होंने ही एडिट की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात। अभी आप क्या चाहते हैं और कब तक कार्रवाई चाहते हैं, कब तक कार्रवाई चाहते हैं? देखिए अभी हम आए हैं यहाँ पे दोबारा और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसपी साहब से मिलेंगे, और अगर फिर भी हमारी कार्रवाई नहीं होती तो एक आंदोलन का रूप इसको हम देंगे। किसी भी हालत में महिलाओं का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे प्रेम जी आपसे ये ज्ञात हुआ है कि मेरी कोई शिकायत है तो वो आपने ही बताई कि कंगना रनौत से संबंधित है, तो फेसबुक पे एक रील चलती है, रील के मैंने ओपन किया था, उसमें देखा तो कंगना रनौत की ये फोटो लगी हुई थी, तो मैंने इस फोटो को फॉरवर्ड कर दिया फेसबुक पे। इससे ज़्यादा मेरा कुछ लेना देना उससे नहीं है, बस इतनी सी बात।